नमस्कार और स्वागत है आपका ओपेरिनिस्टिक में। आज हम लोग जानेंगे मध्य प्रदेश की नदियों के बारे में, यानी रिवर्स ऑफ मध्य प्रदेश। लेकिन इससे पहले कि हम ये चर्चा शुरू करें, मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि यदि हमारे यूट्यूब चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और हमारे फेसबुक पेज facebook.com/opinistic को भी कृपया ज़रूर लाइक करिएगा। हमारी वेबसाइट है www.opinistic.com, इसे भी विजिट ज़रूर करिएगा। तो आइए आज हम लोग जानते हैं मध्य प्रदेश की नदियाँ, रिवर्स ऑफ मध्य प्रदेश। सबसे इम्पॉर्टेंट नदी के बारे में सबसे पहले जानते हैं नर्मदा नदी। मध्य प्रदेश की लाइफलाइन कही जाती है। नर्मदा को रेवा भी कहा जाता है, तो नर्मदा का एक और नाम है रेवा। इसका उद्गम अमरकंटक स्थित नर्मदा कुंड है। तो अमरकंटक जो है वो अनूपपुर में एक बहुत ही दर्शनीय स्थल है और धार्मिक दृष्टि से भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट जगह है। वहाँ पर नर्मदा कुंड है जहाँ से नर्मदा नदी का उद्गम होता है। तो अमरकंटक से नर्मदा नदी का उद्गम होता है, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है, इसको याद रखिएगा। इस नदी की कुल लंबाई है 1312 किलोमीटर। इसको आसानी से 13-12 से आप याद रख सकते हैं। कुल लंबाई है 13-12 किलोमीटर, जिसमें से यह 1077 किलोमीटर मध्य प्रदेश में बहती है और बाकी अन्य प्रदेशों में बहती है। तो ये जो लंबाई है इसको ज़रूर याद रखना है कि टोटल लंबाई नर्मदा नदी की है 13-12 किलोमीटर, 1312 किलोमीटर, जिसमें से 1077 किलोमीटर ये मध्य प्रदेश में बहती है और बाकी जो है वो अन्य प्रदेशों में बहती है। मध्य प्रदेश में नर्मदा को मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कहा जाता है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है। यह उत्तर और दक्षिण भारत के बीच सीमा की तरह कार्य करती है। ये कई बार ऐसा नर्मदा नदी के बारे में जब बात होती है तो ये बात ज़रूर उठती है कि उत्तर और दक्षिण भारत के बीच में यह एक सीमा की तरह कार्य करती है। भारत के बिल्कुल सेंट्रल पार्ट में ये पश्चिम की ओर बहती है, तो ऐसा लगता है इसे भारत को इसने दो हिस्से में बांट दिया है, जिसमें से ऊपरी हिस्सा जो है वो उत्तर का हिस्सा हो गया और नीचे वाला हिस्सा जो है वो दक्षिण का हिस्सा हो गया। यह तीन प्रदेशों मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात में बहती है। तो गुजरात और महाराष्ट्र में भी नर्मदा नदी बहती है और वहाँ पर भी इस नदी का काफ़ी महत्व है। यह नदी नर्मदा नदी मंडला, जबलपुर, देख लीजिए किस किस जिलों में बहती है, मंडला, जबलपुर, नरसिंहपुर, होशंगाबाद, खंडवा तथा खरगोन जिलों से बहती हुई गुजरात में खंभात की खाड़ी में गिरती है और नर्मदा नदी डेल्टा नहीं बनाती है। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि ये नदी खंभात की खाड़ी में गिरती है और डेल्टा नहीं बनाती है। मध्य प्रदेश में दो नदियाँ ऐसी हैं, नर्मदा और ताप्ती, जो डेल्टा नहीं बनाती हैं। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इसको ज़रूर याद रखिएगा। और नर्मदा और ताप्ती दोनों ही खंभात की खाड़ी में गिरती हैं क्योंकि ये पश्चिम की ओर बहती हैं। बाकी जो नॉर्मल बहुत सारी नदियाँ हैं वो पूर्व की ओर जाती हैं, लेकिन ये नदी, नर्मदा नदी और ताप्ती नदी, ये पश्चिम की ओर बहती हैं। नर्मदा नदी पर कपिल धारा, दूध धारा, धुआंधार जो कि भेड़ाघाट के नाम से भी जाना जाता है, मंधार, दर्दी, सहस्रधारा इत्यादि मनोरम जलप्रपात हैं। इसमें से जो ये धुआंधार है जो कि जबलपुर में स्थित है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट टूरिस्ट प्लेस है, बहुत ही प्रसिद्ध टूरिस्ट प्लेस है। इसके सिवा सहस्रधारा जो कि महेश्वर में स्थित है, ये भी काफ़ी प्रसिद्ध है। तो कपिलधारा, दुग्धधारा, धुआंधार, मंधार, दर्दी, सहस्रधारा, ये सब ऐसे जलप्रपात हैं जो कि नर्मदा नदी पर स्थित हैं। नर्मदा की कुछ सहायक नदियां हैं जिनका नाम याद रखना उतना ज़्यादा मुश्किल नहीं है। जैसे बाएं से जो नदियां हैं वो हैं बरनार, बंजर, शेर, शक्कर, दूधी, तवा, गंजाल, छोटी तवा, कुंदी, देव, गोई इत्यादि। इसमें से अधिकतर आप नाम ऐसा देखेंगे ये रसोई घर में काम आने वाली चीज़ों के नाम हैं। अब ये शक्कर, दूधी, तवा, गंजाल, छोटी तवा, ये सब नाम से ही आपको पता चल जाएगा कि ये नर्मदा की सहायक नदियां हैं और ये बाएं से आती हैं। तो जो बाएं से आती हैं उनके नाम आपको इस तरह से मिलेंगे। अब जो दाएं से मिलेंगी नर्मदा नदी में, उनके नाम कैसे हैं, देखिए, हिरन, तिंदोली, बरना, चंद्रकेशर, कानर, मान, ऊटी, हथनी। ये इसका मतलब है कि कुछ जानवरों के नाम पर नदियों के नाम रखे गए हैं जो नर्मदा में
दाहिने साइड से मिलती हैं। तो बाएं साइड से नदियों के नाम आपने देख लिए हैं, रसोई घर में काम आने वाली चीज़ों के नाम पे रखे गए हैं, और जो नदियां दाएं साइड से नर्मदा में मिलती हैं उनके नाम जानवरों के नाम पे रखे गए हैं। तो ये नर्मदा की कुछ सहायक नदियां हैं जिसमें से अधिकतर नदियों के नाम आपको याद रखने चाहिए, क्योंकि कई बार ये सवाल पूछा जाता है कि कौन कौन सी सहायक नदियां हैं नर्मदा की, तो इनके बारे में आपको जानना बहुत ही ज़रूरी होगा। अब हम लोग दूसरी इंपॉर्टेंट नदी के बारे में जानते हैं, ताप्ती नदी। जैसा कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला कि नर्मदा और ताप्ती दो ऐसी नदियां हैं जो पश्चिम की ओर बहती हैं और डेल्टा नहीं बनाती, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब ताप्ती नदी के बारे में जानते हैं, ताप्ती नदी का उद्गम जो है वो मुल्ताई में सतपुड़ा पर्वतों से होता है। तो मुल्ताई जो है वो बैतूल जिले में स्थित है, यहाँ पे सतपुड़ा पर्वतों से ताप्ती नदी निकलती है। यह नदी 724 किलोमीटर लंबी है, तो लंबाई याद रखिएगा, जैसे नर्मदा की हमने याद रखी थी 13-12, वैसे ही ताप्ती नदी की जो लंबाई है वो 724 किलोमीटर है। ताप्ती नदी नर्मदा के समानांतर चलती हुई खंभात की खाड़ी में गिरती है, ये हम लोगों ने अभी देख लिया है पॉइंट, इसको याद रखिएगा। भैंसदेही पठार पर ताप्ती के बीहड़ हैं, तो ताप्ती द्वारा भी बीहड़ बनाए गए हैं। अभी तक अधिकतर लोगों को ये याद जरूर होगा कि चंबल नदी बीहड़ बनाती है, लेकिन ये जान लीजिए कि ताप्ती नदी भी बीहड़ बनाती है, ये भैंसदेही पठार के आसपास के क्षेत्र में बीहड़ बनाती है। सतपुड़ा में चट्टानी कंदराएँ भी हैं। यह नदी भी नर्मदा की तरह डेल्टा नहीं बनाती है, इंपॉर्टेंट पॉइंट। सूरत बंदरगाह इसी नदी के मुहाने पर स्थित है, तो सूरत हार्बर जो है, सूरत बंदरगाह जहाँ पे जहाज आते हैं पानी के जहाज, वो भी इसी नदी के मुहाने पर स्थित है। अब नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट नदी है मध्य प्रदेश की, वो है चंबल। चंबल के बारे में इतना जान लें कि यह दूसरी सबसे लंबी नदी है मध्य प्रदेश की। जैसे ताप्ती का भी हम लोगों ने देखा 724 किलोमीटर लंबी है, चंबल नदी उससे भी लंबी है, ये 965 किलोमीटर लंबी है। तो चंबल नदी मध्य भारत में यमुना नदी की सहायक नदी है, ये किसी समुन्दर में किसी खाड़ी में जाके नहीं गिरती, ये एक दूसरी नदी में मिलती है। कौन सी नदी में मिलेगी? यमुना नदी में मिलती है, तो ये यमुना नदी की सहायक नदी है। यह नदी जानापाव पर्वत महू इंदौर से निकलती है, तो इंदौर में महू ब्लॉक में जानापाव पर्वत हैं जहाँ से ये नदी निकलती है, और ये बहुत ही खूबसूरत जगह है जानापाव पर्वत। इसके आसपास के क्षेत्र जब आप जाएंगे वहाँ पे, बहुत ही खूबसूरत मनोरम दृश्य भी है वहाँ पे, तो प्राकृतिक रूप से काफ़ी सुंदर जगह है। यहाँ पे यदि आप कभी इंदौर महू जाएँ तो यहाँ पे जाना बहुत ही आपको अच्छा लगेगा। चंबल नदी का पुरातन नाम, प्राचीन नाम चरमावती है। कई बार ये क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है कि चंबल नदी का पुराना नाम क्या है, तो चंबल नदी का पुराना नाम है चरमावती। चंबल नदी 965 किलोमीटर लंबी है, याद रखिएगा। अब इसकी जो बहाव है वो काफ़ी तेज है, काफ़ी विशाल बनता है ये, और विशाल कैसे बनता है, इसमें कुछ नदियां आके बीच बीच में मिलती रहती हैं। तो कौन कौन सी नदियां मिलती हैं? काली सिंध, पार्वती और बनास। ये तीन नदियों के मिल जाने से चंबल नदी काफ़ी विशाल हो जाती है, बहुत ही विशाल हो जाती है। इसकी धारा ने बड़ी और गहरी खाइयाँ बनाई हैं, तो सोइल इरोजन भी हो जाता है, मतलब पूरी की पूरी जो मिट्टी है, ऊपरी मिट्टी, उसको बहा के ले जाती है ये नदी, और इस तरह से गहरी खाइयाँ इस नदी ने बनाई हुई हैं। अगली इंपॉर्टेंट नदी है मध्य प्रदेश की, वो है सोन। सोन नदी भी गंगा नदी की सहायक नदी है, ये भी किसी समुन्द्र या खाड़ी में नहीं गिरती है। सोन नदी विंध्याचल पर्वत की अमरकंटक पहाड़ियों से नर्मदा के उद्गम स्थल के निकट से निकलती है। नर्मदा नदी निकलती है अमरकंटक से, और सोन नदी भी निकलती है अमरकंटक से, ये जरूर याद रखिएगा। सोन नदी में घड़ियाल भी पाए जाते हैं, ये भी सवाल कई बार पूछा जा सकता है कि सोन नदी में घड़ियाल पाए जाते हैं, ये याद रखिएगा। इसकी लंबाई 780 किलोमीटर है, इसका मतलब है कि ये ताप्ती नदी से लंबी है। ताप्ती नदी जो है वो 724 किलोमीटर लंबी है, जबकि सोन नदी 780 किलोमीटर लंबी है। सोन नदी में आने वाली बाढ़ अत्यंत विनाशकारी होती है। यह दीनापुर बिहार के निकट गंगा नदी में मिल जाती है, और सोन नदी में घड़ियाल पाए जाते हैं, हालांकि हम लोगों ने ये चीज़ पहले जिक्र कर लिया। तो सोन नदी के बारे में ये जानना आवश्यक है कि यह अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है, 780 किलोमीटर लंबी है, इसमें बाढ़ काफ़ी विनाशकारी होती है, बड़ी बड़ी बाढ़ आती है इसमें। यह दीनापुर में बिहार, वहाँ पे गंगा नदी में मिल जाती है। दीनापुर जो है वो पटना के पास है, तो सोन नदी में भी घड़ियाल पाए जाते हैं, ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। अगली जो इम्पॉर्टेंट नदी है वो है बेतवा। बेतवा जो है वो करीब 590 किलोमीटर लंबी है।
और इसका उद्गम जो है वो रायसेन जिले के कुमरा गांव से होता है। तो बेतवा जो है वो रायसेन जिले में, जो कि भोपाल के निकट है, वहां से निकलती है। बेतवा नदी का उद्गम रायसेन जिले के कुमरा गांव से है। यह यमुना की सहायक नदी है। इससे पहले हम लोगों ने एक और नदी को देखा है जो यमुना की सहायक नदी है, वो है चंबल, और बेतवा भी यमुना की सहायक नदी है। यह मध्य प्रदेश में रायसेन से निकलकर उत्तर पूर्वी दिशा में बहती हुई भोपाल, विदिशा, झांसी, ललितपुर आदि जिलों में होकर बहती है। तो ये भोपाल, विदिशा, झांसी, ये अब मध्य प्रदेश के ऊपरी इलाके में ये बहती है। और इसमें कौन कौन से जिले शामिल हो गए? भोपाल, विदिशा, झांसी, ललितपुर इत्यादि। तो उत्तर पूर्वी दिशा में बहती है ये। इसके ऊपरी भाग में कई झरने मिलते हैं, किंतु झांसी के निकट यह कांप के मैदान में थोड़ी धीमी हो जाती है। इसकी लंबाई लगभग 590 किलोमीटर है। ये तो एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इसको याद रखिएगा। 590 किलोमीटर लंबी ये नदी है। यह बुंदेलखंड पठार की सबसे लंबी नदी है तथा हमीरपुर के निकट यमुना में मिल जाती है। ये यमुना में मिल जाती है, ये याद रखिएगा। इससे पहले हम लोगों ने यह भी देखा है कि चंबल नदी भी यमुना में मिल जाती है। इसके किनारे कुछ इम्पॉर्टेंट टूरिस्ट प्लेसेस भी हैं, जैसे कि सांची, ओरछा और विदिशा के प्रसिद्ध व सांस्कृतिक नगर, ये सारे बेतवा नदी के किनारे हैं। ये कई बार सवाल ऐसा मैंने देखा है, कुछ एग्जामिनेशंस में पूछते हैं कि सांची किस नदी के किनारे है, तो ये बेतवा नदी के किनारे है सांची, ओरछा और विदिशा। माता टीला बांध एक इम्पॉर्टेंट बांध है, एक इम्पॉर्टेंट डैम है जो कि उत्तर प्रदेश में स्थित है, और राजघाट बांध इसी नदी पर अवस्थित है। प्रमुख उपनदियां जो कि बेतवा की हैं वो हैं बीना, धसान, सिंधु, मालिनी, सुखतवा। ये कुछ ऐसी नदियां हैं जो कि बेतवा की उपनदियां हैं। बीना नदी राहतगढ़ जो कि सागर में स्थित है, उसके पास भालकुंड जलप्रपात भी बनाती है। ये एक बहुत ही मनोरम जगह है, एक बहुत ही प्रसिद्ध जगह है भालकुंड जलप्रपात। ये बेतवा की सहायक नदी बीना वो बनाती है राहतगढ़ में, जो कि सागर में स्थित है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट नदी है तवा। तवा के बारे में हम लोग जान चुके हैं कि ये नर्मदा की सहायक नदी है। हम लोगों ने नर्मदा के बारे में जब देखा था तो देखा था कि बाएं साइड से जो नदियां मिलती हैं उनका नाम रसोई में उपयोग आने वाली चीजों के नाम पे है, और दाहिने साइड से जो आते हैं वो जानवरों के नाम पे है। तो ये तवा नाम से आपको पता चल जाना चाहिए कि ये नर्मदा की सहायक नदी है और नर्मदा में बाएं साइड से आके मिलती है। तो ये तवा नदी जो है वो पचमढ़ी के पास महादेव पर्वत की काली भीत पहाड़ियों से निकलती है, और ये नॉर्थ की ओर बहती है, उत्तर की ओर बहती है, यानी कि मध्य प्रदेश के ऊपरी हिस्से की ओर बहती है, उस साइड में बहती है। यह होशंगाबाद की प्रमुख नदी है। इसकी सहायक नदियां हैं देनवा, मालिनी, सुखतवा, और यह नदी फाइनली नर्मदा से मिलती है। क्षिप्रा एक इंपॉर्टेंट नदी है। क्षिप्रा इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाती है क्योंकि इसके किनारे सिंहस्थ मेला लगता है। तो उज्जैन में सिंहस्थ मेला क्षिप्रा नदी के किनारे ही लगता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, इसको जरूर याद रखिएगा। यह नदी इंदौर जिले में स्थित काकरी बरड़ी पहाड़ी से निकलती है। इंदौर जिले में काकरी बरड़ी पहाड़ी है जहां से क्षिप्रा नदी निकलती है। अब क्षिप्रा की कुल लंबाई 195 किलोमीटर है। यह नदी देवास, उज्जैन जिलों में भी बहती है और अंत में चंबल नदी में मिल जाती है। तो क्षिप्रा नदी फाइनली मिलती है चंबल नदी से, तो चंबल की सहायक नदी भी कह सकते हैं इसको। क्षिप्रा नदी के किनारे अनेक तीर्थ स्थल हैं जिनमें उज्जैन का महाकालेश्वर मंदिर सबसे प्रसिद्ध है, और सिंहस्थ मेला क्षिप्रा नदी के किनारे ही लगता है। महाकाल मंदिर के पास में क्षिप्रा नदी के किनारे ही सिंहस्थ मेला लगता है। अब हम लोग देखते हैं काली सिंध नदी के बारे में। काली सिंध नदी देवास में बागली गांव से निकलती है, यहाँ पर विंध्याचल पर्वतों से, और यह शाहजहाँपुर और नरसिंहगढ़ में बहती है और अंत में चंबल में मिलती है। तो क्षिप्रा हो चाहे काली सिंध, ये दोनों ही चंबल में मिलती हैं। बल्कि एक और नदी भी हम लोग देखेंगे, सिंधु, ये सिंधु नदी भी चंबल में मिल जाती है। तो सिंधु नदी गुना जिले के सिरोज के निकट से निकलती है। यह कौन कौन से जिले में बहेगी? गुना, शिवपुरी, दतिया और भिंड से बहती हुई, और अंत में फाइनली चंबल नदी में मिल जाती है। तो क्षिप्रा, कालीसिंध, सिंधु, ये सभी चंबल नदी में मिल जाती है। केन नदी ये इंपॉर्टेंट नदी है क्योंकि यहाँ पर केन बेतवा परियोजना
इसी नदी के ऊपर बनी हुई है। यह नदी विंध्याचल पर्वत से निकलती है, उत्तर की ओर बहती हुई उत्तर प्रदेश में जाती है और यमुना नदी में मिल जाती है। इंपॉर्टेंट बात यह है कि केन बेतवा जो प्रोजेक्ट है वो इसी नदी के ऊपर बना हुआ है। बैनगंगा एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट नदी है मध्य प्रदेश की। इस नदी का उद्गम परसवाड़ा पठार से होता है और वहाँ से यह सिवनी छिंदवाड़ा में बहती है और बैनगंगा की घाटी सिवनी बालाघाट क्षेत्र में विस्तृत है। तो इसका जो अधिकतर अपवाह क्षेत्र है जहाँ पे बैनगंगा नदी का सबसे ज़्यादा असर है वह है सिवनी और बालाघाट के क्षेत्रों में। गार नदी एक इम्पॉर्टेंट नदी है जो कि नर्मदा की सहायक नदी है और यह सिवनी के लखनादौन क्षेत्र से निकलती है और कोयले की सकरी घाटी से बहती हुई नर्मदा नदी में फाइनल मिल जाती है। शक्कर नदी नाम से आप जान गए होंगे, शक्कर नदी नर्मदा में बाएं साइड से मिलती है और यह नर्मदा की सहायक नदी है। इस नदी का उद्गम छिंदवाड़ा जिले में अमरवाड़ा के पास होता है और यह गाडरवाड़ा जो कि जबलपुर के पास है वहाँ पर नर्मदा से मिल जाती है। तो ये थी मध्य प्रदेश की कुछ नदियाँ। इन नदियों के बारे में आपको जानना बहुत ही आवश्यक है, मध्य प्रदेश पीएससी एग्जामिनेशन हो या कोई भी और व्यापम के एग्जामिनेशन हो जिसमें मध्य प्रदेश से रिलेटेड मध्य प्रदेश जीके पूछा जाता है, उसके लिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मध्य प्रदेश की नदियों के बारे में यदि आपका कोई कन्फ्यूजन हो, कोई फीडबैक देना चाहें, इस वीडियो के बारे में आप हमसे कुछ कहना चाहें, कोई सवाल पूछना चाहें तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। मुलाकात होगी अगले एपिसोड में एक बार फिर से। नमस्कार।